हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी नेस्ट। आई एम दीपक सर। एज यू ऑल नो, वी हैव डन अ लॉट ऑफ इंग्लिश चैप्टर्स फ्रॉम बोथ द बोर्ड्स, CBSE एंड ICSE। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ, प्लीज सब्सक्राइब इट टू गेट द लेटेस्ट वीडियोज। So students, today we will do two stories about flying from your book First Flight. The first story is His First Flight. The story is about a seagull, एक समुद्री चिड़िया। आपने बहुत से ऐड में भी देखा होगा, एक बहुत ही फेमस ऐड में, डर के आगे जीत है, और ये स्टोरी उसी पे बेस्ड है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। एक सीगल, एक समुद्री चिड़िया, अकेले बैठा था एक चट्टान के किनारे। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई बहन, दो ब्रदर और एक सिस्टर, एक दिन पहले वहाँ से जा चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। और उसको डर लग रहा था उनके साथ उड़ने में, क्योंकि ये पहली उड़ान थी उसकी। सम हाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग, ही बिकेम अफ्रेड। उसने किसी तरह हिम्मत करी और थोड़े से दूर दौड़ा और अपने विंग्स को फड़फड़ाया किनारे पे आके उड़ने के लिए, लेकिन वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। उसके सामने बहुत ही विशाल समुद्र दिखाई पड़ रहा था, नीचे समुद्र नीचे था, वो चट्टान के ऊपर बैठा था और दूर तक समुद्री समुद्र था। उसको डर था कि मैं अगर उड़ने के लिए छलांग लगाऊंगा तो पानी में डूब के मर जाऊंगा। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। और उसको पूरा विश्वास था कि उसके पंख उसका साथ कभी नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो वो वापस दौड़ के गया, अपना सर झुका के उसी जगह जाके लेट गया जहाँ पे वो पिछली रात सोया था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, ही फेल्ड टू मस्टर अप द करेज टू टेक दैट प्लंज व्हिच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट। उसके बाद उसने कोशिश करी, उसके छोटे भाई बहन जो कि जिनके कि पर उससे उसकी अपेक्षा छोटे थे, इसके तो फिर भी बड़े थे, और वो उड़ गए थे वहाँ पे और वहाँ से जा चुके थे। फिर भी इसकी हिम्मत, उनको देखने के बाद भी इसके अंदर हिम्मत नहीं आई और ये उड़ने की कोशिश इसने नहीं करी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। उसके माता पिता उसके पास आए, उसको बुलाते हुए जोर से आवाज़ दे रहे थे। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मीन्स उसको डांट रहे थे। थ्रेटनिंग हिम, उसको डरा रहे थे। टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज अनलेस ही फ्लू अवे। और वो उससे कह रहे थे भूख प्यास से मर जाओगे यहाँ पड़े पड़े, लेकिन तुम्हें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा यहाँ से उड़ने के लिए। ये एक बहुत ही, यहाँ पर हम लोग को लगेगा कि पेरेंट्स जो थे उसके बहुत ही क्रूअल थे या फिर उसकी परवाह नहीं करते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। माता पिता अगर बच्चों का सहारा हमेशा ही बने रहेंगे तो ये बच्चे अपने आप कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं माता पिता को थोड़ा सा कठोर निर्णय लेना पड़ता है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन वो वहाँ से हिलने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो प्रयास ही नहीं कर रहा था। और जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। दैट वॉज 24 hours ago। ये 24 घंटे पहले की, यानी कल की बात थी, एक दिन पहले की। सिंस दैन नोबडी हैड कम नियर हिम। तब से उसके पास कोई नहीं आया। उसके दोनों भाई और बहन और उसके माता पिता सब वहाँ से जा चुके थे। सिंस दैन नोबडी हैड कम नियर हिम द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लिंग, टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स, हाउ टू डाइव फॉर फिश। और जब से वो लोग वहाँ से गए थे एक दिन पहले से, वो उन्होंने उसने देखा कि पूरे दिन उसके माता पिता उसके दो भाइयों और उसकी बहन को परफेक्ट कर रहे थे, निपुण बना रहे थे कि कैसे उड़ा जाता है और कैसे परफेक्ट। जैसे जी आपने देखा होगा जो सी बर्ड्स होती हैं, ये पानी के ऊपर ही बहुत ही करीब सरफेस के नियर उड़ती रहती हैं, और जैसे ही मछली दिखाती है डाइव मार के मछली निकाल के उड़ जाती हैं। ये इस काम के लिए इनको परफेक्ट होना पड़ता है कि समुद्र में इनको देखना पड़ता है कहाँ मछली और बिल्कुल परफेक्ट डाइव। तो उसके माता पिता यही दो पिछले दिन से कर रहे थे कि अपने दो बेटे और एक बेटी को सिखा रहे थे कैसे समुद्र की सतह पे उड़ते रहिए और कैसे मछली पकड़ के उड़ जाइए।
ही हैड इन परफेक्ट सीन हिज ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवर इट। उसने देखा कैसे उसके भाई ने अपनी पहली मछली पकड़ी, हेरिंग मछली, और कैसे उसे लालच पूर्ण देते, डिवर मतलब टू ईट ग्रीडली, उसको बहुत ग्रीडली उसको खा लिया। एंड स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल राउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल, एंड वाइल द सन वॉज ईटिंग दैट फिश द पेरेंट्स वर हैप्पली एंड इन अ वेरी प्राउड वे दे वर मेकिंग अ कैकलिंग नॉइस। सो जब वो उनका बेटा मछली खा रहा था अपना पहला शिकार लाइफ का, तो पेरेंट बहुत गर्व से उसके अगल बगल आवाज़ बंद करते हुए उड़ रहे थे। ये होता है जब आप पहली बार कुछ जीत के अपने माता पिता को देते हैं, तो माता पिता को रियली बहुत दे फील रियली प्राउड ऑफ यू, उनको बहुत ही गर्व महसूस होता है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैव वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिड डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टेनिंग हिम विद हिज कावर्डाइज। सो द ऑल मॉर्निंग द होल मॉर्निंग द होल फैमिली इंक्लूडिंग फादर मदर टू सन एंड अ डॉटर दे वर वॉकिंग डाउन द बिग प्लेटो एंड दे वर टेनिंग हिम दे वर टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कावर्डाइज। तो उसकी कावर्डाइज के लिए, उसकी कायरता के लिए वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उस पर व्यंग कस रहे थे पूरे दिन, क्योंकि दोनों भाई और बहन तो उड़ ले रही थी, माता पिता ने उनको ट्रेंड कर दिया था, लेकिन यही अपने डर के पीछे ये नहीं उड़ पा रहा था। ऐसा नहीं था कभी उड़ेगा नहीं, लेकिन इसको अपने डर पे विजय प्राप्त करनी होगी। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। सो द सन वॉज मूविंग अप हाई बाय द पासिंग ऑफ द डे। तो सूरज दोपहर के समय ऊपर बढ़ता जा रहा था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, and he was feeling the heat because he was hungry. वो पिछले दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि माता पिता जा चुके थे, बहन भाई जा चुके थे, तो he was hungry, तो वो भूखा था। He stepped slowly on out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed an eyes, then the other, and pretended to be falling asleep. So he stepped out of the brink. Means the edge of that ledge. Leg means the rock on which he was standing, and he stood on one leg, and the other leg was hidden inside his wing, and he pretended that he was sleeping. वो एक पैर पे खड़ा हो गया, अपनी उसी चट्टान पे आ गया, एक पैर पे खड़ा हो गया, एक पैर अंदर कर लिया। ऐसे ही सीगल सोते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। सीगल आप देखेंगे तो समुद्र के पानी में या किसी भी पानी के उसमें या किनारे पे खड़े हुए ऐसे खड़े रहते हैं, वो इस तरह सोते हैं। तो यहाँ पे ये प्रिटेंड कर रहा था, सो नहीं कर रहा था, यहाँ पे प्रिटेंड कर रहा था, दर्शा रहा था कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, स्टिल द हिज ब्रदर सिस्टर एंड द पेरेंट्स टुक नो नोटिस ऑफ हिम। इसके भाई बहन और माता पिता ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग विद देयर हेड्स sunk into the neck. So he saw his brother and sister, they were dozing and they were standing there and their head was sunk into the neck. As I told you, this is the way they sleep, the seagulls. So वो उसने देखा उसके दोनों भाई और बहन प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और लेटे हुए हैं, और उनके जो सर हैं वो उनके नेक के पास अंदर पंखों में दबे हुए हैं। Only his mother was looking at him. तो सारे लोग आराम कर रहे थे, only the mother. अब mother शब्द ही ऐसा है, मदर जो हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती है, भले वो नाराज़ हो लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में प्यार था, वो अपने इस बेटे को भी देख रही थी जो कि भूख प्यास से बेहाल कहीं दूर था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा माँ को भी कठोर बनना पड़ता है ताकि उसका बेटा सीख सके। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हम्प ऑन द प्लेटो, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हम्प मीन्स अ लिटिल स्मॉल हिल ऑन द प्लेटो। वो छोटे से टीले पे खड़ी थी उस चट्टान के, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका जो आगे की छाती थी जो सफ़ेद थी वो आगे की तरफ थी। नाउ एंड अगेन शी ओर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। सो नाउ एंड देन शी वॉज ओर मीन्स शी वॉज ईटिंग दैट पीस ऑफ फिश दैट वॉज लाइंग नियर हर फीट एंड शी वॉज रबिंग हर ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। व्हाई वॉज शी रबिंग इट, शी वॉज रबिंग इट एंड मेकिंग इट शार्प। तो ये चिड़ियों की निशानी होती है, ये पत्थर पे अपनी बीक रगड़ती हैं ताकि उनको शार्प नोकीला बना सके, तेज़ बनाया जा सके, धारदार बनाया जा सके। और वो बार बार अपनी बीक को रगड़ रही थी और उस मछली को जो उसके पैरों के पास पड़ी थी उसे नोच रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और द साइट ऑफ द फूड व्हेन ही सॉ द फूड द डेड फिश व्हिच वाज लाइंग एट द फीट ऑफ अ मदर
ही वॉज मैड बिकॉज ऑफ हंगर. जब उसने देखा मछली उसकी माँ के पैरों के पास पड़ी हुई है तो वो भूख से बिल्कुल बेहाल पागल हो गया. हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. सो नाउ ही इज रिमेंबरिंग द वे ही यूज टू टेयर दैट फिश एंड वाइल ही यूज टू इवन ही यूज टू डू द सेम थिंग बाय स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड देन दैट टू मेक इट शार्प. तो अगेन इज थिंकिंग, वो दोबारा सोच रहा है कि कैसे वो भी अपनी बीक को टेस्ट करता था रगड़ रगड़ के, जैसे कि उस समय उसकी माँ कर रही है, और अपना फ्रूट खाता था. तो अब वो बहुत से भूखा है, उसके माता पिता उसके बहन भाई वहाँ से जा चुके हैं. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. सो दिस वॉज हिज ओन वे, हिज ओन वे टू कम्युनिकेट विद हिज मदर. वो जोर से गा 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 बोल के कर रहा है अपनी माँ से, एक तरह से भीख मांग रहा है कि मुझे भी खाना दे दो. ग्वाव कॉल और शी स्क्रीम ऑफ बैक डेरिसिवली. डेरिसिवली मीन्स किसी का मजाक उड़ाते वक्त. तो उसने भी, माँ ने भी मजाक उड़ाते वक्त उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहा कि देखो, मतलब कहा क्या, मतलब उसको मछली दिखाई कि ये मछली है, तुम्हारी हिम्मत है तो आप यहाँ से ले लो. बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. सो ही कैप्ट ऑन कॉलिंग हिज मदर अगेन एंड अगेन एंड सडनली ही गेव अ जॉयफुल स्क्रीम. सडनली बिकेम वेरी हैप्पी, ही सॉ समथिंग. अचानक वो जोर जोर से दुख भरे तरीके से बुलाता रहा अपनी माँ को खाने के लिए. अचानक वो बहुत खुश हो गया और उसने बहुत ही खुशी से चीख निकली उसके मुँह से. उसने क्या देखा, उसने देखा हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. ही सॉ हिज मदर पिक्ड अप दैट फिश दैट वॉज लाइंग एट हर फीट एंड शी पिक्ड अप दैट एंड शी वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम. उसने देखा उसकी माँ ने मछली जो पड़ी थी उसको उठाया, अब वो उसकी तरफ बढ़ी. अब उसके अंदर एक होप हुई, उसके अंदर एक आशा जागी कि द मदर इज कमिंग टू गिव हिम फूड, कि मदर उसके पास उसको खाना देने आ रही है. ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट. सो ही वॉज वेरी हैप्पी, ही केम आउट ईगरली, ही वॉज वेरी ईगर, ही वॉज बिकमिंग वेरी इम्पेशेंट एंड टैपिंग द रॉक. मीन्स टैपिंग मीन्स लाइक स्टैम्पिंग द रॉक विद हिज फीट ट्राइंग टू गेट क्लियरर नियरर टू हर एज शी फ्लू. अब वो बहुत खुशी से अपना पैर ज़मीन पर पटकने लगा और वो उस अपनी माँ के बिल्कुल किनारे तक आ गए ताकि उसकी माँ उसके पास आके उसको वो मछली खाने दे दे. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस द पीस ऑफ फिश इन हर बैक इन अ बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. तो वेन शी वॉज वेरी क्लोज टू हिम शी सडनली स्टॉप्ड, शी सडनली स्टॉप्ड. Her wings became motionless and she was very close to him. But then also she didn't come nearer to him at all. अब जब वो बहुत उसके करीब आ गई तो वो उसने कहीं पे एक माँ ने एक हॉल्ट ले लिया, उसके विंग्स जो थे हिलने बंद हो गए. जो उसके बीक में मछली थी वो उसके बेटे के बिल्कुल करीब थी लेकिन इतनी करीब नहीं थी वो मछली ले पाए. He waited a moment in surprise. अब वो सरप्राइज रह गया कि मदर इतने पास आए मुझे मछली देने, खाना देने, और फिर भी मुझे नहीं दे रही है. Wondering why she had not come nearer and then maddened by hunger, he dived at the fish. And now he was very hungry. He was almost mad because of hunger and finally he dived towards the mother. और mother की जब वो बिल्कुल भूख से बेहाल हो गया था तो mother उसके बिल्कुल पास थी और वो इतनी दूर पे था. उसने finally decide किया वो jump लगाएगा mother की चोट से, उसको ले लेगा. With a loud scream, he fell outward and downwards into space. और With a loud scream, the scream was would be of he was afraid. In fact, he was afraid. वो जोर से चीखा और वो नीचे गिरने लगा space में. Space means हवा में नीचे आ रहा था. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. There was a monstrous terror. He was terrified. He was afraid that he is going to fall and die. अब उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा डर पैदा हो गया कि वो नीचे गिर जाएगा. उसको डर ने जकड़ लिया एंड उसको लगा कि अब वो नीचे गिर जाएगा और सब कुछ ख़त्म होगा. ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन पा रहा था. बट दिस ओनली लास्टेड अ मिनट, बट ये एक मिनट तक ही चला. देन नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड. सो फाइनली ही फेल्ट दैट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड. उसको लगा उसके पंख फैल गए हैं. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर. द विंड वॉज रशिंग अगेंस्ट हिज It was coming towards his breast feathers or wing, उसके जो छाती की तरफ हवा चल रही थी. Then under his stomach and against his wing. Then the wind went under his stomach and finally against his wings. तो हवा उसको महसूस हो रही थी और यही हवा में वो अपने लिए उड़ने की कोशिश करेगा.
ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड. तो स्लोली स्लोली ही वॉज मूविंग डाउन एंड आउटवर्ड. आउटवर्ड मीन्स ही हैज कम आउट फ्रॉम द प्लेस वेयर ही वॉज स्टिल देयर बिफोर दैट दिस पीरियड ही वॉज देयर. सो अब वो नीचे गिर रहा था धीरे धीरे और उस जगह से निकल रहा था, निकल आया था जहाँ पर वो अभी तक रेस्ट कर रहा था. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर. अब नाउ वो फील कर रहा था कि उसके जो विंग्स के किनारे हैं वो एयर को काट रहे हैं, क्योंकि वो उड़ने की कोशिश कर रहा था. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग डाउन. अब वो सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था, क्योंकि वो उड़ने की कोशिश करने लगा था. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी. अब वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था. हाँ, उसको थोड़ा सा घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन डर नहीं रहा था. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड ही सोर्ड अपवर्ड. गा 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 गाओ हाउल. हिज मदर स्वूप पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. सो फाइनली ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड ही वॉज सोरिंग, मीन्स फ्लाइंग हाई. एंड सीइंग दिस साइट द मदर केम पास्ट एंड शी गेव अ, शी वॉज लाइक वेरी हैप्पी. इन फैक्ट मदर उसके पास से निकली जब उसने देखा उनका बेटा उड़ने लगा है, तो पास से उनके पंख हवा में शोर करते हुए निकले और मदर भी बहुत खुश हो गई. ही आंसर्ड विद अनदर स्क्रीम. जब उसकी मदर ने एक खुशी की आवाज़ निकाली, तो इसने भी पलट के एक आवाज़ निकाली जो खुशी की थी. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. उसके बाद उसके फादर भी उसके ऊपर से आवाज़ करते हुए निकल गए. ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. फिर उसने देखा उसके दोनों भाई और उसकी बहन भी, करवेटिंग मीन्स टू जंप लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह छलांग लगाते हुए वहाँ से गए और नीचे डाइव मारी और उड़ के निकल गए. देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड रिकमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रिलरी. अब वो बिल्कुल भूल गया था कि वो कभी डरता भी था. अब उसको हवा में उड़ने मज़ा आ रही थी. अब वो डाइव लगा रहा था, ऊपर डाइव लगा के नीचे आता, फिर ऊपर उड़ जाता, फिर कर्व मोड़ मुड़ता और जोर जोर से चीखता चिल्लाता चला जाता. उसके अंदर का डर खत्म हो गया था. किस चीज़ ने उसका डर खत्म किया? जो उसकी पहली डाइव थी उसने. ही वॉज नियर द सी नाउ. अब वो सी के पास में था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके ऊपर उड़ता जा रहा था. स्ट्रेट ओवर द वास्ट ओशन, पूरे ओशन जिसको देख के डर रहा था, उसके ऊपर उड़ रहा था. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम. अब उसको अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र दिखाई पड़ रहा था. विद लिटल रिजेस मूविंग ओवर इट. रिजेस मीन्स पानी की लहरें जो होती हैं वो मूव कर रही थी. एंड देन ही टर्न हिज बीक साइडवर्ड्स एंड कॉड अम्यूजली. और फिर उसने मुड़ा और फिर जोर से बहुत ही खुशी से चिल्लाया. हिज पेरेंट एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर सिस्टर जो ग्रीन फ्लोरिंग, जो एक समुद्र में काई कह ले या फिर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर जाके बैठ गए. देवर बेकनिंग हिम. बेकनिंग मीन देवर कॉलिंग. वो उसको बराबर बुला रहे थे, जोर जोर से बुला रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. उसने अपने पैर उस ग्रीन सी पर रख के खड़े होने की कोशिश करी. हिज लेग्स सैंक इनटू इट. लेकिन उसके पैर उसके उस ग्रीन जो ग्रीनरी थी उसके अंदर चले गए. ही स्क्रीम विद फ्राइट. अब वो फिर डर गया, जोर से चिल्लाया. एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन. उसने फिर कोशिश करी कि वो उड़ जाए दोबारा अपने विंग्स फ्लैप करके, लेकिन अब वो बहुत थक चुका था. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज. अब वो बहुत थक चुका था क्योंकि उसे भूख लगी थी और वो उसके अंदर ताकत नहीं थी. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. स्ट्रेंज एक्सरसाइज क्यों? ये एक्सरसाइज उसने कभी नहीं करी थी अपनी लाइफ में. ये पहली उसकी डाइव थी जिसमें वो सफल हो गया था. हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर. अब उसके जो पैर जो थे वो ग्रीन सी में अंदर चले गए, उसकी जो पेट था वो भी अंदर चला गया, लेकिन इसके नीचे वो नहीं गया, यानी वो रेस्ट कर रहा था. अब ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट. अब वो फ्लोट कर रहा था. ये भी सब कला होती है. ये सारी कला उसने पहले डाइव मारने की सीखी, अब समुद्र पे कैसे रहा जा सकता है, तैरा जा सकता है. अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग. और उसके बगल में उसकी फैमिली जोर जोर से खुशी से चिल्ला रही थी. प्रेजिंग हिम, वो उसकी तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे. कुछ देर पहले वो उसको उकसा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि उसने वो साहस दिखाया. ही शोड दैट करेज, ताकि वो आज वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे.
एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और वो उसको अब खाना ऑफर कर रहे थे, अभी तक वो खाना दिखा रहे थे, अब उसको खाना ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी पहली फ्लाइट, पहली उड़ान सफलतापूर्वक पार कर ली थी, अब वो जीवन भर उड़ता ही रहेगा। तो सबसे पहला कदम, बच्चा सबसे पहले जब खड़ा होता है, लड़खड़ाता है, चलने की कोशिश करता है, गिरता है, उसका वो पहला कदम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बाद ही वो चलना सीखता है। तो लाइफ में पहला कदम उठाने में आपको देर हो सकती है, लेकिन साहस का सामना आपको करना, साहस से सामना करना पड़ेगा। वो पहला कदम आपकी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और फिर आप इतने आगे चले जाते हैं कि आपको ये भी याद नहीं रहता कि आप पहले कितना डरते रहे। दैट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वील डू द सेकेंड पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।